हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक और नया वीडियो लेकर दोस्तों आपके लिए आ गया हूँ। दोस्तों, जब से सैमसंग कंपनी ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, तभी से कयास लगाया जा रहा है कि जल्दी ओप्पो कंपनी भी अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। और दोस्तों, उससे जुड़े काफी सारी अटकलें और अफवाह सामने आती रहती है। लेकिन दोस्तों, सभी अटकलों और अफवाह को फुल स्टॉप लगाते हुए आखिरकार ओप्पो कंपनी ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, दिसंबर 2021 में ओप्पो कंपनी अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जो दोस्तों आपको ओप्पो फाइंड एंड 5G नाम से देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुके हैं, जिसके मुताबिक दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 50MP का पॉपअप कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का सबसे पावरफुल चिपसेट कंपनी दे सकती है। तो आइए दोस्तों, ओप्पो के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन से जुड़े कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो हे गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैंचूटेक। आइए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें दोस्तों, तो यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है, जो कि दोस्तों यूजर फ्रेंडली और एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मानी जाती है। वही दोस्तों, बात करते हैं डिस्प्ले की, तो कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन में 7.8 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दे सकती है, जिसका रिजोल्यूशन दोस्तों 2K होने वाला है। वही दोस्तों, इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर आपको सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक बेहतरीन डिस्प्ले मिल जाती है, जहां पर दोस्तों आपको कंटेंट देखने और गेमिंग खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट मिल सकता है, जो कि दोस्तों एक ऑलराउंड चिपसेट माना जाता है। दोस्तों, इस चिपसेट के साथ आपको डेली टास्किंग और मल्टीटास्किंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों, ये एक गेमिंग प्रोसेसर भी माना जाता है। अगर दोस्तों आप गेमर हैं, गेमिंग के लिए फोन खरीदना चाहते हैं, तो भी दोस्तों यहां पर आपको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। गेमिंग और ग्राफिक्स को संभालने के लिए कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन में Adreno 660 GPU का इस्तेमाल कर सकती है। तो दोस्तों, यहां पर आपको अच्छा खासा प्रोसेसर मिल जाता है, बेहतरीन डिस्प्ले मिल जाती है और एक अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाती है। अब बात करते हैं कैमरे की, तो दोस्तों यहां पर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों माना जा रहा है कि ये फोन 50MP के पॉपअप कैमरा सेटअप के साथ आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी दोस्तों फ्रंट साइड इस स्मार्टफोन में 32MP का कैमरा सेटअप भी दे सकती है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो लीक हुई रिपोर्ट की माने तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की दमदार बैटरी मिल सकती है, जो दोस्तों 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की फैसिलिटी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अदर कनेक्टिविटी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 4G 5G GPS ब्लूटूथ और USB Type-C पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल सकते हैं। कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन को 2 कलर ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप भी दोस्तों एक फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो और आप ओप्पो के फैन हो, तो ये फोन दोस्तों आपके लिए पहली पसंद बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।